हेलो एवरीवन, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हैं। मैंने पहले भी इफ स्टेटमेंट बता दिया है, इफ स्टेटमेंट इफ एल्स का प्रोग्राम भी दे दिया है और डेफिनेशन भी मैंने दे दिया है। ये इफ एल्स का दूसरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज एंड प्रिंट आउट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये एग्जाम में पूछता है और आपके असाइनमेंट में भी पूछता है, ठीक है ना। तो आप ये प्रोग्राम आप अच्छे से देख लो, स्क्रीन शॉट लेकर के आप रख भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम एक शुरू करते हैं प्रोग्राम को। ये हमारे पास प्रोग्राम है, ओके। इस प्रोग्राम लिखा है कि वही जो मैं प्रिंट करना है कि अगर जो बंदा 18 साल एज लेके आए, ठीक है ना, 18 साल लेके आएगा वही बंदा क्या करेगा, वोट दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम पूरा दिया हुआ है। इस चीज को हम बनाएंगे टर्बोसी सॉफ्टवेयर में, ओके। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास टर्बोसी है, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं देखता हूँ। देखो हमने मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि हमें इंक्लूड डॉट स्टूडियो लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में आप लिखिएगा तो इंक्लूड डॉट स्टूडियो का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्टली इसको रन करा के दिखा सकते हैं, ठीक है। हमने लिखा परसेंटेज डी और हमें यहाँ पे क्लोज करना है, डबल कोटेड कॉमा लगाएंगे, इसमें हम लिख देंगे हमें जो लिखना होता है एम्परसेंड के साथ जो वेरिएबल हमने ऊपर दिया है। इंटर करेंगे हम, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट हमें चेक करना है कंडीशन की। इफ यदि यहाँ लिख दिया जाए कि जो बंदा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, उसके इंटर करेंगे। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम स्टेटमेंट ब्लॉक बनाएंगे ये वाला, इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पर प्रिंटअप, प्रिंटअप लिखा और इसके अंदर भी हम लिख देते हैं जो हमें लिखना है मैटर। अब हमें इसमें क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है एलिजिबल फॉर वोटिंग, नहीं अगर बंदा 18 साल को एज पे आता है तो क्या करेगा, एलिजिबल फॉर वोटिंग। इंटर करेंगे, अगर ये रन कर जाए तो ये वोट दे सकता है, अगर ना हो तो लिखेंगे एज। इंटर किया, ओपन ब्रेसेस लेंगे हम, इस स्टेट जो ब्लॉक है स्टेटमेंट इसमें हम लिखेंगे प्रिंटअप, इसमें हमने लिख दिया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। इसको लिखने के बाद इसका डबल कोटेड क्लोज करो, अब इंटर करके नीचे आ जाओ, ये जो आपका स्टेटमेंट ब्लॉक क्लोज वैसे भी है, इंटर करो, लिखो गेट सी एस सेमीकॉलन लगा दो। ये प्रोग्राम डॉट सीपीवी में है, इस प्रोग्राम को हम एफ टू प्रेस करेंगे, प्रोग्राम का नाम हमने लिख दिया वोटिंग वाला, ठीक है। डॉट सी करके सेव कर लेंगे क्योंकि सी का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है सी। अब इसको हम कंट्रोल एफ नाइन करके रन कराएंगे, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको एरर दिख जाएगा नीचे मैसेज बॉक्स में। कंट्रोल एफ नाइन किया, यहां आप दिख रहा है ग्रेटर वैल्यू इज 100, ऑटोमेटिकली प्रिंट करके दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज हमें क्या करना होगा, ध्यान देना, प्लीज को वापस जाते हैं। देखो हमें यहाँ पे CLR SQL यूज करना होगा, क्यों, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया था उसका भी अभी तक वो रिजल्ट है वहां पे। CLR SQL क्या करेगा, ये क्लियर द स्क्रीन, कंट्रोल एफ नाइन करेंगे। अब ध्यान देना, अब लिखा है इंटर योर एज, आपने दे दिया 18 साल, इंटर करो, बोला कि आप वो दे सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम रन कर गया। कंट्रोल एफ नाइन करो, अब लिखा 16, करेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। आपको ये प्रोग्राम समझ में आया, अगर प्रोग्राम को समझ में आया तो लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।